ये क्या हो रहा है देश में गाइस? क्या ये सब देखने के लिए गांधी जी, भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आजादी दिलाई थी? बीजेपी की एक्स लीडर नुपुर शर्मा ने शिवलिंग पर हुए मजाक के बाद प्रॉफेट मोहम्मद पर इनसेंसिटिव कमेंट किए, मेरी नजरों में दोनों ही गलत हैं, बिकॉज किसी को भी किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने का कोई भी हक नहीं है। नुपुर शर्मा के प्रॉफेट मोहम्मद पे कमेंट्स पर इस्लामिक कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ईरान एंड अफगानिस्तान के ऑब्जेक्शन के बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। इसके बाद नुपुर शर्मा ने ट्विटर पर अपनी स्टेटमेंट वापस भी ली और कहा कि वो किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसके बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR भी लॉन्च हुई एंड हमें हमारे देश के कानून को इसको हैंडल करने देना चाहिए था। पर उसके बाद मस्जिद में फ्राइडे की नमाज के बाद जो पूरे देश में वायलेंट प्रोटेस्ट मुस्लिम सेंटिमेंट्स को हर्ट होने के नाम पर हुए, वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किए जा सकते। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, गाड़ियों को आग लगाना, पुलिस एंड निर्दोष लोगों पर पत्थर फेंकने का हक इन लोगों को किसने दिया? रांची में पथराव से चोट लगे इस बहादुर पुलिस वाले को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बताइए आप? सोचिए अगर आपके एरिया में कोई ऐसी हरकत हो जाए जहां पर आपकी जिंदगी की सारी सेविंग से लगी हुई गाड़ी को कोई आग लगा दे, या आप पर पत्थर मार कर आपको कोई लाइफ टाइम भर इंजरी दे दे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? 100% आप लोगों को ये ही लगता कि मेरी बिना किसी गलती के बावजूद मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ? इन दंगों में मोस्टली निर्दोष लोगों के साथ ही गलत होता है। और अगर लोगों में इतना ही गुस्सा है तो अपना गुस्सा आर्मी ज्वाइन करके बॉर्डर पे दिखाओ हिम्मत है तो, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा रिलीजन इंडियन है, उसके बाद सारे रिलीजन हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म एंड क्रिश्चियनिटी आते हैं। कम से कम देश के लिए शहीद होकर आप अपने परिवार का नाम रोशन और उनको फाइनेंशियली सिक्योर तो कर जाओगे, वरना ये सारे दंगे करने के बाद गवर्नमेंट दोषियों की प्रॉपर्टी को बुलडोजर से डिस्ट्रॉय करेगी और उनके सारे बैंक अकाउंट एंड प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेगी। वो लोग अपना नुकसान तो करेंगे ही पर साथ में अपनी फैमिली का भी फ्यूचर खत्म कर डालेंगे। और याद रखना, असली मुस्लिम यूट्यूबर फैजल वानी जैसे नहीं होते जिसने नुपुर शर्मा का गला काटने की नकली वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की और बाद में अरेस्ट होने के बाद उसे वीडियो डिलीट करनी पड़ी और माफी भी मांगनी पड़ी, बल्कि असली मुस्लिम फेमस बांग्लादेशी ऑथर तस्लीमा नसरीन जैसे होते हैं जिन्होंने इंडिया में हो रहे वायलेंस के खिलाफ बोला और ट्वीट किया कि अगर प्रॉफेट मोहम्मद अभी जिंदा होते तो वायलेंट मुस्लिम्स देखकर हैरान हो जाते। गाइस, मैं आज आप लोगों को अपना चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूं, बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करो, बिकॉज देश में नेगेटिविटी रोकना बहुत जरूरी है। और शेयर नहीं भी करना चाहते तो अपने आसपास के लोगों का माइंडसेट जरूर बदलो। वंदे मातरम, जय हिंद।